अस्सलाम वालेकुम जी, जरताश रेसिपीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर जरताश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। और इस वक्त जनाब सीज़न में आई हुई है कचनार, हरी हरी और बहुत ही फ्रेश। तो मैंने कहा चले आपको एक दफ़ा जो है वो इसकी रेसिपी जो है वो बता देते हैं कि इजीली कोई बड़ी जल्दी बन जाने में लोगों को ज़रा घबराहट होती है कि शायद ये गलेगी देर से, ये कैसे बनेगी, क्या होगा। तो हम इसको बड़े क्विक तरीके से जो है वो बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये 1 किलो कचनार थी, ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। तो ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि अराउंड कोई 650 से 700 ग्राम के करीब जो है वो रह गई है, ठीक है। काफ़ी से ज़्यादा इसकी डंडियाँ होती हैं जो तोड़नी होती हैं। एक दफ़ा मैं आपको हाथ से बता दूँ कि ये ना ये इस तरह की, इसके साथ लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं ये पीछे, तो ये आपको ना तोड़ देनी होती हैं, ठीक है। बहुत लंबी डंडी इसके साथ जो है वो नहीं रखनी, ये छोटी जितनी आप हो सकती हैं ये सारी इसी तरह चुननी है, कोई बड़े डंठल कोई चीज़ इसके साथ नहीं होनी। तो 1 किलो से ये तकरीबन कोई 700 ग्राम के करीब ये है। दही मैं लूँगी 1/2 कप के करीब। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है 6 से 7 कलियाँ हैं लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था मैंने छोटा सा स्लाइस किया, 1 ओनियन है, 2 प्याज टमाटर हैं और 3 हरी मिर्चें। इन सबका हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। 1 किलो के करीब कीमा है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉन फैट साफ़ सुथरा सा मोटा कीमा है, ठीक है, वो मैंने 1 किलो ले लिया था। इसको मैंने धो के स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। अब उसके साथ जो है मेरे पास वो है नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया और उसके साथ हल्दी, ठीक है। क्वांटिटीज़ आपको बता देती हूँ कि 1 टीस्पून के करीब नमक है, 1 टीस्पून भर के जो है वो लेवल वो लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है, ठीक है। गरम मसाले जो इसमें जाएंगे उसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, 4 लौंगें हैं, उसके साथ 5 से 10 के करीब जो है वो आपकी काली मिर्चें हैं, 3 इंच का जो है वो ये दालचीनी का टुकड़ा है और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं जिनके मुंह मैंने खोल दिए हैं। अच्छा, फ्राइंग के लिए मुझे ऑयल चाहिए होगा और 1 प्याज मुझे स्लाइस के लिए चाहिए होगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। लें जी जनाब, ये खुले मुँह का मैंने एक बर्तन ले लिया है, ठीक है, आप कढ़ाई लेना चाहें कढ़ाई ले लें, ठीक है, उसके साथ जो है पतीले में बनाना चाहें पतीले में बना लें। अच्छा, ऑयल मैंने लिया है तकरीबन अराउंड 1/4 कप के करीब, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब ये सारा कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए इतना ऑयल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जितने साबुत गरम मसाले हैं और प्याज हैं मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि इसके साथ जो है ये सारे एक साथ ऑयल में जाएंगे, ठीक है, ताकि इनका अरोमा जो है वो सारा उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छा खुशबू वाला बनेगा और उसके बाद जब उसमें कचनार डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, ठीक है। ये देखेंगे प्याज जो है ये हमारा हल्का हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया। अब इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे ही ये लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा होगा मैं आपको बताऊंगी कि अब इसके साथ ही इसमें जो है वो हमें कीमा ऐड कर देना। ये लीजिए, ये प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें मैं 1 kg कीमा जो मेरे पास धुला हुआ साफ रखा हुआ है, ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने भी और कुछ नहीं डाला, सिर्फ साबुत गर्म मसाला है, प्याज है और ऑयल, ठीक है। इसको तब तक मैंने भूनना है जब तक इसका जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है, ये रेड से जब तक वाइटिश से कलर पे नहीं आ जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। अच्छा, इसकी डबल भुनाई होगी, पहले इसको मैं इसी तरह सादा भूनूंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको वो सारा पेस्ट बताया कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, फिर हम उसके साथ और बाकी मसाले डाल के इसको एक दफ़ा अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये कीमे का ना पानी छूटना शुरू हो गया है, ठीक है, तो आँच थोड़ी सी तेज़ आपने रखनी है, जो पहली भुनाई है हमारी वो हाई फ्लेम पे होगी। ये लें जनाब, बीच बीच में से मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ, ठीक है, पानी आप देख रहे हैं कि कीमे में से अच्छा खासा पानी जो है वो निकल आया है, इसी पानी में बड़ी हद तक ये कीमा गल जाएगा, हमें एडिशनल नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दफ़ा ये पूरा खुश्क हो जाए उसके बाद हम अगले मसाले डालेंगे। ये देखें जनाब, ये हो गया कीमा बिल्कुल ड्राई, ठीक है, और मैं आपको इसी तरह सारा दिखा देती हूँ कि ये इसमें ऑयल छोड़ दिया, ठीक है। अब हम बारी बारी जो है इसमें सारी चीज़ें अपनी जो है वो ऐड करते रहेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ पीस लेना है, ये मैं 1 कप के अराउंड था कि मैंने ये इसमें ऐड किया, इसको मिक्स कर लेंगे। आँच को मैंने तेज़ ही रखा हुआ है, ठीक है, मीडियम लो नहीं है, मतलब अराउंड मीडियम के करीब है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ठीक है। ये पकना शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है, अब बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। कि हमने सारे अपने मसाले जो थे वो इसमें ऐड कर दिए, अब इसकी अच्छी तरह से जो है वो हम मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, अच्छा जी, दही का पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कीमा हमारा अच्छा सा बिल्कुल भुन के तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये कीमा ना एक बेसिक कीमा होता है,
जिसको आप आलू डाल लें, आप मटर डाल लें, व्हाट्स एवर जो भी आप सब्जी वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो ये कीमा अगर आपके पास टाइम है और ये है तो आप एक्सेसिव क्वांटिटी में इसी तरह बना के रख लें और इसी तरह डब्बों में जो है वो पैक करके रख लें ताकि कीमे का प्रोसेस आपका जो है वो हुआ हुआ हो। तो नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ सब्जी ऐड करनी है एंड विद इन 10-15 मिनट्स जो है वो आपका खाना रेडी हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें ये देखें कितना अच्छा जो है वो ऑयल निकल आया हुआ है। ठीक है, इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली हुई है। अब इसमें ऐड करते हैं कचनार। ये नहीं जी, ये देखें, ये है कीमा हमारा बेहतरीन किस्म का जो है वो भून के रेडी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये जो कीमा हमारा है ये बेसिक कीमा है। ठीक है, इस कीमे को आप इसी स्टेज के ऊपर जो है वो निकाल के अगर आप चाहें तो आप फ्रीज करने के लिए अपने बॉक्सेस में रख सकते हैं। इसी कीमे को आप जल्दी से जो है निकालें, इसमें कोई भी किस्म की सब्ज़ी, आलू डालें, आलू डालें, मटर डालें, मटर डालें, आपने कीमा प्याज बनाना है तो इस स्टेज में सिर्फ प्याज और टमाटर जो है वो काट के और उसको दम पे रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइम सेविंग होगा और मतलब आपका बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम बच जाएगा। तो इसलिए इस तरह जो है रमज़ान के लिए स्पेशली आने वाला है तो आप ये कीमे के बॉक्सेस एटलीस्ट बना के तैयार करके रख सकते हैं। अब ये कीमा हमारा ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, कीमा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो है वो कुछ नार ऐड करेंगे। ये कचनार डल गई है इसमें। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो मिक्स करूँगी। और अच्छा, एक टिप आपको मैं दे दूँ कि इसमें ना मैं इसको मिक्स करने के साथ ही ना अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। ठीक है, मैं इसमें साथ ही जो है वो बॉइलिंग वाटर जो है वो ऐड करूँगी। उससे क्या होगा कि ये जो एकदम जो है ना टेम्परेचर, ये अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से ना पहले अब ये कम होगा उस सारी हंडिया का और उसके बाद फिर ये होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ना देर से गलती हैं। तो इसका आसान हल ये है कि अगर केटल है तो केटल में पानी चढ़ा दें और अगर नहीं है तो किसी भी पैन में साथ में चूल्हे पर पानी गर्म कर लें। और जब आप भी इस तरह किसी भी सब्ज़ी को या किसी भी चीज़ को कीमे में, गोश्त में, किसी भी चीज़ में ऐड करें तो आप गर्म पानी जो है साथ में वो ऐड करें। ठीक है, अब मैं अराउंड इसमें जो है वो 2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी। ठीक है, उससे ये होगा कि ये जो कचनार बहुत जल्दी जो है इसका कुकिंग टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, वरना अदरवाइज आम में जब आप ठंडा पानी डालें और उसमें तो वो काफ़ी टाइम ले जाती है ये गलने में। ठीक है, तो इससे कम से कम ये है कि आप इसे देखेंगे कि ये कुकिंग इसका जो है टेम्परेचर ये फौरी तौर पर जो है वो बबल करना जो है वो शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो ये अच्छा सा जो है वो साथ के साथ ही पकना शुरू हो गया। अब अगर आप इसमें कच्चा पानी डालेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर और ये वाला, तो वो फिर उसी वही टाइम जो है उतनी देर में ये अकड़ जाती है। ठीक है, तो बहुत देर से बनती है। तो अगर आपने आलू डालने हैं, मटर डालने हैं, कोई भी सब्ज़ी को भी ऐड करनी है तो कोशिश करें कि इसी तरह जो है ना वो आप बॉइलिंग पानी में रखें। उससे ये है कि आपका इक्वल टेम्परेचर रहेगा और एकदम जो है वो सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल हंडिया को ठंडा नहीं करेगी। किचनार को पकते हुए हो चुके हैं कोई 5 मिनट्स। अब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसको मीडियम आंच पे जो है वो 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। तो मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। ये देखें जी, किचनार जो है वो गल चुकी हुई है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका हुआ है। बस इस स्टेज के ऊपर हमने उस तक वेट करना है जब ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑयल ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही जो है किचनार हमारी वो रेडी है। बस सिर्फ हरे धनिया से हम इसको गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। हमारा खूबसूरत सा और बहुत ही खुशकल और जल्दी बन जाने वाला जो है कचनार कीमा रेडी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि बहुत ज़्यादा कोई ऑयली, कोई फैटी, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र आ रहा। ठीक है, कचनार मैं आपको एक लेके दिखा देती हूँ इसमें से कि ये देखें जनाब, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो गल चुकी हुई है। ठीक है, तो जो कुकिंग टिप्स मैंने आपको दी हैं अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली है। सीजनल सब्ज़ी है, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को बना के खिलाएं और दांत से मिटें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ZR के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आएंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।